गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुपर्णा सिल्वर कैंडी वॉच में आप सबका स्वागत है। देखिए आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो इसके प्रिपरेशन चल रहा है और आलू दम बना चुकी हूँ इसके साथ। चलिए दिखा देती हूँ आलू दम। ये देखिए आलू दम, और यहाँ पर काजू किशमिश भी है। चावल भिगा कर रख दिया है, ये देखिए। और इधर फ्रेंड्स मम्मी उठ गई है, उठकर चाय भी पी चुकी है और अभी पाइनएप्पल काट रही है। इससे पाइनएप्पल हमेशा फ्रेंड्स खाली पेट खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें थोड़ा सा नमक मिला लो बस। और इधर मैं थोड़ा पानी बॉईल कर रही हूँ आँखों के लिए। आँख मुझे बहुत ही दिक्कत हो रहा है आँखों के लिए, और तो इसमें पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसको ठंडा करके फिर इसी पानी से आँख धोने से अच्छा होता है। अब चलिए टेरेस पर चलती हूँ। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिखा दूँ, दिख रहा है फ्रेंड्स। ढका हुआ है तो ढका हुए रहने दो। ये रुकिए थोड़ा दिखाती हूँ। ये देखो दिख रहा है ना। ये और भी शायद हुआ है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे फिलहाल। और ये देखिए घाटकोल के पत्ते, तीन पत्ते निकल चुके हैं। चलिए ऊपर चलती हूँ, फूल ले लेती हूँ। चलिए ये दुल्हन चापा खिला है, ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स फूल उठा के बात करती हूँ, थोड़ा सा दिखा दूँ फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बड़ा जबा खिला है ना। ये और दो भी खिला था उधर, ये देखिए। चलिए इसको ले लेती हूँ। ये इतने नहीं खिलते हैं एक्चुअली, इनमें ना खाद डालना चाहिए तो ये अच्छे से खिलेंगे। मैं तो एकदम ही केयर नहीं कर पा रही हूँ इसीलिए। बहुत अच्छा ही फूल मिल रहा है। ये छोटा सा जबा है, इसे भी ले लेती हूँ। ये देखिए, और ये जो गेंदा खिला है उसे उठाऊंगी नहीं अभी, इसे रहने देते हैं। और भी खिलेगा, बड़ा हो जाएगा साइज में तब ले लूंगी। बरसात का मौसम है, अच्छा से खिलेगा फूल, ये तो बात सही है। लेकिन बरसात हो ठीक से तब ना। तुलसी के पत्ते ले लेती हूँ, नीचे से लिया है मैंने, और थोड़ा सा ले लेती हूँ। देखो शिवली के पौधे कितने अच्छे से खिले हैं ना। थोड़ा सा दो दिन बरसात होता है तो फिर भी पौधे का जो ये है उसका लुक अलग हो जाता है, एकदम डिफरेंट स्टाइल में बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब पानी भी दो तो इतना अच्छा लुक उनका नहीं होता है। ये भी तो फूल देने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है शिवली। चलिए फ्रेंड्स हो ही गया है, नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आसमान का नज़ारा भी दिखा दूँ आपको, देख सकते हो। बादल बिल्कुल है नहीं, लेकिन धूप का तेज भी उतना नहीं है। तो चलिए अब आज अच्छा ही फूल खिला है फ्रेंड्स, जगह अच्छा ही मिल गया है।
चलिए फ्रेंड्स सभी नहा कर फिर आकर आपसे बातें करती हूँ। आप मेरे आंखों में मत देखिए, बहुत खराब कंडीशन है। फ्रेंड्स देख सकते हो मेरा नहा कर पूजा भी हो चुका है। चलिए भगवान का जगह थोड़ा सा दिखा दूँ, फिर दिखाते हैं आपको। और ये देखिए फ्रेंड्स आज मेरा स्पेशल ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है मूढ़ी, साथ में थोड़ा सा आलू फ्राई और लौकी आलू की सब्जी जो था वही बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इधर मासी उन लोगों के लिए बना रही है ब्रेकफास्ट। और ये आम भी कटा हुआ था, 4 टुकड़ा था कटा हुआ फ्रिज में, तो उसी को पहले खा रही हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी मूढ़ी से। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ये कर दो, आँख इतना तकलीफ़ दे रहा है फ्रेंड्स, बहुत तकलीफ़ हो रहा है मुझे, क्या करूँ उपाय नहीं है। फिर उसके बाद कुछ मैंने रील्स का काम किया और कुछ एडिटिंग भी कर रही थी अपना चैनल का, जो कुकिंग चैनल है। उसके बाद लंच टाइम हो गया, लंच में फ्राइड राइस और आपका आलू दम बनाई थी और मम्मी लोगों का था मछली। तो ये देख लिए ये फ्राइड राइस और ये आलू दम का रेसिपी, फ्राइड राइस का रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल में दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। और ये आलू दम आशा करती हूँ आप सबको, किसी को भी ऐसा कोई नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा था फ्रेंड्स आज का दिन, और दिन तो ऐसे जा रहा है, मेरा आँख इतना तकलीफ़ दे रहा है, बहुत ही मुझे तकलीफ़ हो रहा है। और दोनों आँखें, एक आँख था तो दोनों आँखें हो चुका है और पूरा सूजन सा ऐसा हो रहा है। और मुझे कोई वो भी मेडिसिन नहीं मिला है, ड्रॉप जो घर में है मेरे वही मैं दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का दिन था ऐसा। और थोड़ा सा निम्मी को भी आपको दिखा देती हूँ, ताकि निम्मी का तबीयत ख़राब होने के बाद तो ये आपसे मिली ही नहीं। तो ऐसा था आज का दिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।